बिजली कटौती की अफवाह फैलाने पर देश में पहली बार दर्ज हुआ राजद्रोह का मुकदमा। देश में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब बिजली कटौती की अफवाह फैलाने पर किसी सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है, और वह भी राजद्रोह का। मज़ेदार यह है कि मुकदमा दर्ज करने वाली सरकार का नाम कांग्रेस है, रायपुर। पिछले दौर जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया को एक वीडियो जारी करने के मामले में गिरफ्तार किया, तो राहुल गांधी ने एक कायदे की बात कही थी। राहुल ने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ झूठ लिखने वालों की गिरफ्तारियां होने लगें तो जेलें भर जाएंगी और चैनलों के दफ्तर खाली होने लगेंगे। लेकिन अब उसके इस बयान की खिल्ली उड़ने लगी है, क्योंकि उनकी ही पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार में एक ऐसा मामला आया है जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ जान पड़ता है। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती को लेकर के सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार 12 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आईपीसी के तहत राजद्रोह की धारा 124A और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 के तहत कार्रवाई की गई है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर ऐसी कार्रवाई हुई है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई बिजली कंपनी की शिकायत पर की गई है। आरोपी मांगेलाल अग्रवाल राजनांदगांव जिले के मुसरा डोंगरगढ़ के रहने वाले हैं। वीडियो वायरल में मांगेलाल अग्रवाल कह रहे हैं कि एक इन्वर्टर कंपनी के साथ में छत्तीसगढ़ सरकार की सेटिंग हो गई है, इसके लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है। करार के मुताबिक 12 घंटे करार के मुताबिक 1 घंटे या 2 घंटे में से 10 या 15 मिनट के लिए लाइट की कटौती होती रहेगी, तभी इन्वर्टर की बिक्री होगी। बिजली कंपनी सीएसबी के चेयरमैन शैलेंद्र शुक्ला का कहना है कि कंपनी के कर्मचारी बिजली आपूर्ति के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। ऐसे में सभी लोगों से आग्रह है कि कटौती संबंधी भ्रामक खबरों से दूर रहें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बिजली कंपनी का यह भी कहना है कि मांगेलाल अग्रवाल वीडियो में विद्वेष फैलाने वाली बातें कर रहे हैं और वीडियो को जब्त कर लिया गया है। वहीं बिजली कंपनियों के विधिक सलाहकार एनकेपी सिंह का कहना है कि मांगेलाल अग्रवाल ने जो किया है वह सरकार या उसके उपक्रम के खिलाफ दुष्प्रचार है और ये राजद्रोह का मामला बनता है। आइए देखते हैं क्या है राजद्रोह का मामला। धारा 124A, अगर कोई व्यक्ति सरकार या किसी संस्थाओं के खिलाफ या विरोध में सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या उसका प्रचार करता है जिसमें राष्ट्रीय गरिमा के या राष्ट्र की क्षति होती हुई लगती है, तो राजद्रोह का मुकदमा हो सकता है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय चिन्हों या संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो भी इस कानून में आजीवन या 3 साल तक की सजा हो सकती है। देखिए, ये जो धारा है इसमें जो दंड है वो खुद अपने आप में भ्रामक है। अब ये राष्ट्र की गरिमा है, गरिमा को किस तरह से तय किया जाएगा, क्या उसका पैमाना होगा, ये थोड़ा इसमें स्पष्ट और देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार नहीं, मध्य प्रदेश सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में तो हद ही हो गई है, वेस्ट बंगाल सरकार हो, देश का कोई भी, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, ऐसी तमाम अपराध से जुड़ी हुई खबरों की बाढ़ सी आ गई है और लग रहा है कि इस देश में संविधान और कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं। तो ये थी फिलहाल अभी तक की खबर। आप देखते रहिए इंडिया आजकल, और मैं हूँ संपादक IPS यादव। धन्यवाद।